इजराइल और हमास के युद्ध में हुई भारत और पाकिस्तान मैच की एंट्री। इजराइल ने की पाक की बेइज्जती। भारत की जीत पर इजराइल हुआ खुश। इजरायली राजदूत ने पड़ोसियों पर कसा तंज, बोल दी ये बड़ी बात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त भारत देश में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर खूब चर्चा हो रही है। मुकाबला कल खेला गया था, इसमें टीम इंडिया ने पाकिस्तान को कह सकते हैं करारी शिकस्त दी थी। 7 विकेट से मुकाबला जीता था। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने विध्वंसक पारी खेली। ये पारी देखकर लगा कि रोहित शर्मा की 2019 वाली फॉर्म वापस आ गई है। लेकिन यही नहीं मामला थमा। मामले के बाद या कहें मैच के बाद सभी एक दूसरे पर कमेंट्स कर रहे थे। शोएब अख्तर का कमेंट आया, इसके बाद दानिश कनेरिया का कमेंट आया। इधर भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर हो, वीरेंद्र सहवाग, इन तमाम सारे दिग्गजों ने अपनी टीम की तारीफ की और साथ साथ रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ की। लेकिन मामला यही नहीं थमा, मामला पहुंच गया इजराइल और हमास युद्ध के बीच। जी हाँ, इजराइल और हमास युद्ध इस वक्त दुनिया में सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार पिछले 8 दिनों से युद्ध चल रहा है, लेकिन इस पर मोड़ तब आया जब श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि ये जीत जो मिली है ये गाजा के भाई बहनों को समर्पित है। इसके बाद इस ट्वीट को खूब वायरल हुआ था। लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन यही नहीं, इसके बाद जब मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हुआ, इस मुकाबले के बाद जो इजरायली राजदूत है, जो इंडिया में राजदूत है, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट के बाद उन्होंने क्या कुछ लिखा वो आपको सुनाता हूं। हमें खुशी है कि वर्ल्ड कप 2023 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच में भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर पाया। हम हमारे भारतीय मित्रों द्वारा मैच के दौरान पोस्टर दिखाकर इजराइल का साथ अपनी एकजुटता दिखाने से बेहद भाव विभोर हैं। ये ट्वीट है इजरायली राजदूत का, जिसके बाद सोशल मीडिया में इस ट्वीट की खूब तारीफ की जा रही। लोग कह रहे हैं कि इजराइल और इंडिया की जो दोस्ती है वो आने वाले वक्त पर और मजबूत होगी, और जो इस वक्त इजराइल युद्ध कर रहा है उसमें भारत कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट कर रहा है। अगर बात करें टीम इंडिया की, टीम इंडिया अब तक 3 मुकाबले खेल चुकी है, 6 मुकाबले अभी खेलने हैं। 3 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर बनी हुई है, यानी कहें दुनिया की नंबर 1 टीम है। इस वक्त टीम इंडिया एक बेहतरीन 6 पॉइंट है और उसके साथ रन रेट भी बहुत बेहतर है। अब उम्मीद करिए टीम इंडिया ऐसे ही जीतती रहे और वर्ल्ड कप 2023 जीत ले। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इजरायली राजदूत के इस कमेंट को, कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।